नहीं हम सबका कोई च्वाइस नहीं है, हम बाकी सब चीज के लिए एकजुट करने के चक्कर में, मेरा और कुछ नहीं, कि देश के हित में काम होना चाहिए, मेरा कोई पर्सनल च्वाइस नहीं, सब मत सोचिए। अरे हमारा तो मन राजगीर का कर रहा था, वहाँ काम कर लिए, हमको लग रहा था यहाँ का बातें नहीं समझते, क्या करिए, छोड़ने दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, एक बात खूब बढ़िया से जानिए, और देख रहे ना हालत उन लोगों की कितनी खराब है, अटल जी की सरकार में हम लोग उसी समय थे जी, तो उस समय तो होता था, अब बाद में कभी हुआ है एनडीए का बैठक, कभी नहीं होता है, अभी तो चूंकि हम लोग बैठक करवा दिए तो वो एगो बैठक शुरू की है, और कई लोगों को बुला करके संख्या दे रहे हैं, क्योंकि मतलब है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो विपक्षी नेताओं की बैठक से लौटे हैं, कल देर शाम को वो लौटे हैं, लेकिन वो चुप थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वे नाराज चल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने फिर से कह दिया है सभी कोई एकजुट हैं, सभी कोई एक साथ रहेंगे। और बैठक के बाद, क्योंकि उन्हें राजगीर आना था, आज आपको बता दें आज राजगीर के मलमास मेले का शुभारंभ हुआ है, जहां पर नीतीश कुमार ने पहुंचकर विधि विधान के साथ, पूजा प्रतिष्ठान के साथ इसका शुभारंभ किया है। नीतीश कुमार खुद पहुंचे हैं और पूजा अर्चना भी की है, तस्वीरें आप वहां के दिखा रहे होंगे। नीतीश कुमार जब पटना पहुंचे हैं महागठबंधन की बैठक के बाद, तो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या वे नाराज हैं, जरा सुनिए। बहुत अच्छा मीटिंग हुआ है, कल तो 26 पार्टियां थी, यहां तो 15 था, एक तो बेचारे आने वाले थे लेकिन बाहर थे, तो 16, लेकिन और भी लोकल और रीजनल पार्टी को इसमें किया गया था, कुछ लोगों का तो सलाह हमने भी दिया था और कुछ लोगों का उन लोगों को सलाह था, तो काफ़ी अच्छी बातचीत हुई और मिलजुल करके एकजुट होकर के आगे बढ़ा। सर विपक्ष कर रहे हैं नाराज होकर आप चले आए, विपक्ष कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कर रहे हैं आप नाराज होकर, लीजिए यही सब बात है, फालतू चीजें बोला। अरे हमारा तो मन राजगीर का कर रहा था, वहाँ काम कर लिए, हमको लग रहा था यहाँ का बातें नहीं समझते, क्या करिए, छोड़ने दीजिए, उसके कभी चक्कर में लगिएगा, वहाँ तो मीटिंग वोटिंग करके जो बात हो गया वो कोई जरूरी है कि वहाँ पर बैठ करके कुछ, और तो प्रेस को जो बताना था हमको तो तुरंत लौट करके आना था, तो लौट करके आ गए, कोई खास बात नहीं, बहुत अच्छा हो गया है और बहुत सर्वसहमति से हुआ है और ठीक ढंग से हुआ है, तब इसलिए कोई दिक्कत नहीं, हमने जो सुझाव दे ही दिया है। इंडिया नाम पर आपको आपत्ति है, इंडिया नाम पर आपत्ति आपको है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, सुशील मोदी कह रहे हैं, तब उनको क्या पता है, वहाँ गए हैं कहाँ गए, हम तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ लोग कुछ कुछ बोलता है, आप पता नहीं कौन कोई मोबाइल पर चला देता है, हम कल भी लोगों को बनाए, अभी मोबाइल बढ़ रहा है तो 100 साल से ज्यादा धरती रहेगा। संयोजक बनाने की बात हो रही है सर, आपको संयोजक नहीं, हम सबका कोई च्वाइस नहीं है, हम बाकी सब चीज के लिए एकजुट करने के चक्कर में, मेरा और कुछ नहीं, कि देश के हित में काम होना चाहिए, मेरा कोई पर्सनल च्वाइस नहीं, सब मत सोचिए, हम कभी कभी एक बार भी नहीं बोलते हैं, वो सब बात चिंता मत करिए, कोई चिंता बहुत अच्छा चल रहा है। जो मुहिम आपने चलाई लगता है कि अब रंग लेने लगा है, आपके पैरेलल में अब 38 दलों की बैठक बुलाई जा रही है, आपने कहने जा रहे हैं हमारे साथ कोई मतलब है, दलवा का नाम देख ना लीजिए, गुजरात नाम तो देख लीजिए, आप पहले कभी एनडीए का बैठक बुलाए हैं, अटल जी के टाइम में बना, 19 में बना, 1999 में अटल जी की सरकार में हम लोग उसी समय थे जी, तो उस समय तो होता था, अब बाद में कभी हुआ है एनडीए का बैठक, कभी नहीं होता है, अभी तो चूंकि हम लोग बैठक करवा दिए तो वो एगो बैठक शुरू की है, और कई लोगों को बुला करके संख्या दे रहे हैं, क्योंकि मतलब है, हम लोगों का जो भी मीटिंग में आया है तो जो पार्टी नोन है उसी का है, अब बाकी अभी कोई पार्टी बना है, ऐसे ऐसे लोगों को बुला कर किसको चले जाएंगे? हमने किसी को निकाल दिया, हम तो चाहते ही नहीं थे, आ गया तो हम काहे नहीं रखे, हमके ज्वाइन करिए या बाहर जाइए, नहीं तो जहाँ मीटिंग वहाँ होने वाला था कहता हमको भी रहने दीजिए, तो जो मीटिंग होता सब जाके उसको कहता, तुम करिए साहब, मतलब आपने जिनको निकाला उनकी भर्ती सोच लीजिए, हम तो बता चुके हैं आप लोगों को, कुछ लोग तो रहता ही नहीं ऐसा, इसलिए हम लोग एकजुट हैं और मिलजुल करके बाकी सब लोगों से बात हो गई, अच्छा रहा, और तो हमको आना था, देखिए हमारा मन था राजगीर का, ऐसा लग रहा था आने का, इसी के चलते हम चले, अब आज हम सुबह आना चाह रहे थे, तो जो हेलीकॉप्टरवा मंगवाए तो हम समझे रातें में हेलीकॉप्टरवा आ जाएगा, लेकिन नहीं आया, अभी आया इसलिए देर हो गया,
तो हमको तो अफसोस उसी का। 2024 का रिजल्ट बाय रोड आने में जरा आने वाले लोगों को दिक्कत। सर 2024 का रिजल्ट क्या होगा? बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, एक बात खूब बढ़िया से जानिए। और देख रहे हैं ना हालत उन लोगों की कितनी खराब है, इसीलिए ना जो कर रहे हैं वो सब काम, तो जो हम लोग जितना काम कर रहे हैं उसी से परेशान है लोग, तो और कुछ कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तो मीडिया पर कब्जा है उन लोगों को ना, तो इसीलिए ना प्रचार करेंगे। हम तो आपको कह चुके हैं कि इसको 24 के बाद आप लोग फिर स्वतंत्र होकर के एक एक बात लिखिए। तो बीजेपी की बात छोड़िए ना, बीजेपी तो कुछ 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 बोलते रहती है, और एनडीए की बैठक आज तक अभी हुई थी? एनडीए के तमाम जितने घटक दल हैं उन सभी को क्या साथ बुलाया गया था? क्या महागठबंधन की बैठक को देखकर एनडीए में बौखलाहट है, एनडीए घबरा गई है? नीतीश कुमार के कहने का क्या अर्थ था? आपने खूब सुना है नीतीश कुमार ने कैसे विरोधियों पर तंज कसा है, आपने ये भी सुना है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।